हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल का सिम है और 5G मोबाइल है, लेकिन आपके मोबाइल में 5G अनलिमिटेड डाटा नहीं चल रहा है, मतलब कि आपको जितना डाटा मिलता है उसी का आप यूज़ कर पा रहे हो, उसके अलावा आप 5G अनलिमिटेड डाटा नहीं चला पा रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपके मोबाइल फ़ोन में भी अनलिमिटेड डाटा चलेगा। मैं आपको जो सेटिंग बताऊंगा, अगर आप उनको कर लोगे तो आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में 5G अनलिमिटेड डाटा का यूज़ कर पाओगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में दो सिम है, एक जियो का है और एक एयरटेल का है, और मुझे पर डे 2-2 GB डाटा मिलता है दोनों सिम में। और दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर, अभी तक मैं यहाँ पे 11.83 GB डाटा का यूज़ कर चुका हूँ, मतलब कि मुझे 4 GB डाटा मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे जो 6 से 7 GB डाटा है उसका एक्स्ट्रा यहाँ पे यूज़ कर चुका हूँ। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में चले जाना है। जैसे सेटिंग में जाओगे तो देखिए दोस्तों, कुछ सेटिंग करनी होती है हमें, उसी के बाद हम यहाँ पे 5G चला पाते हैं। नेटवर्क इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर ओके कर देना है। देखिए दोस्तों, कुछ फ़ोन ऐसे होते हैं कि अगर वो 5G फ़ोन है तो उनके मोबाइल फ़ोन में ऑटोमेटिक 5G डाटा चलने लग जाता है, लेकिन कुछ मोबाइल फ़ोन में नहीं चलता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिम कार्ड का ऑप्शन मिलेगा मोबाइल नेटवर्क के नाम से, इस पर ओके कर देना है। जैसे इस पर ओके करोगे, अगर आप जियो का चलाना चाहते हो तो जियो पे सेलेक्ट कर लेना है, अगर एयरटेल का करना चाहते हो तो एयरटेल के ऑप्शन पे ओके कर देना है, मतलब आपका जो सिम कार्ड है उस पर ओके कर देना है। तो मेरे पास एयरटेल की सिम है, मैं यहाँ पे इस पर ओके कर देता हूँ। जैसे इस पर मैंने ओके किया तो देखिए दोस्तों, नीचे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क टाइप के नाम से, इस पर ओके करना है। दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपका 2G 3G या फिर 4G सेलेक्ट है तो आपको क्या करना है, अगर आपका मोबाइल फ़ोन 5G है तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5G सेलेक्ट रखना है, ना कि 4G। अगर 4G सेलेक्ट रखोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4G कर दिया, तो दोस्तों अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में यहाँ पे 4G ऑप्शन आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 4G नेट चलेगा, 5G नहीं चलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 5G रखना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखेगा ऑटोमेटिक सेलेक्ट नेटवर्क, यहाँ पे दोस्तों अगर आपका ये ऑफ है तो ये आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे जैसे आप इस ऑप्शन पे ओके करोगे, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, एयरटेल, BSNL, जियो, VI। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इस वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑन रखना है, मतलब आपको इसको इनेबल रखना है, ना कि ऑफ रखना है। उसके बाद में एक्सेस पॉइंट नाम दिखेगा नीचे, इस पे ओके करना है। जैसे दोस्तों इस पे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एयरटेल इंटरनेट, एयरटेल MMS। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको इसको एयरटेल इंटरनेट के ऑप्शन पे सिलेक्ट रखना है। अगर आप ये ऐसा करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों अनलिमिटेड 5G डाटा चलेगा। देखिए दोस्तों, तीन सेटिंग हमारी होगी। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा बैक आओगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा 5G यूज हेल्प के नाम से, इस पे ओके करना है। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक सेटिंग और बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे माई एयरटेल एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप 299 रुपये का रिचार्ज करते हो, 1.5 GB वाला पर डे, अगर आप ये वाला रिचार्ज करते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में 5G नेटवर्क नहीं चलेगा। जो इंटरनेट होता है जो फ्री का, वो नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्तों 5G इंटरनेट चलाने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, जो 2 GB पर डे वाला डाटा होता है दोस्तों, उसका रिचार्ज करना पड़ेगा। 349 रुपये का रिचार्ज होगा, 349 का, इसमें आपको 2 GB पर डे डाटा मिलेगा। अगर आप ये रिचार्ज करोगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों ऑटोमेटिक 5G नेटवर्क चलेगा, अनलिमिटेड डाटा चलेगा। आपको इन सेटिंग को कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कौन सा रिचार्ज एक्टिवेट है। आपको देखिए, इसमें मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर से बात की थी, उसने दोस्तों यहाँ पे बोला था कि अगर आप 349 से नीचे का रिचार्ज करते हो तो आप 5G अनलिमिटेड डाटा का यूज़ नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आपको ये रिचार्ज करना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको 5G हेल्प का ऑप्शन दिखेगा, इस पर ओके कर देना है। यहाँ पर दोस्तों आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, इन चारों ऑप्शन को आपको फॉलो करना होगा। सबसे पहला ऑप्शन है दिस सिम कार्ड हैज़ बीन एक्टिवेट फॉर 5G सर्विस, मतलब दोस्तों आपकी जो सिम है आपको उसे 5G में अपडेट करा लेना है। अगर आपकी पुरानी सिम है तो उसको 5G में अपडेट करा लेना है। अगर आपने अभी हाल ही में नई सिम ली है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, सेकंड नंबर पे दी 5G नेटवर्क इज़ अवेलेबल इन योर लोकेशन, मतलब कि दोस्तों कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर 5G एक्टिवेट नहीं है, मतलब वहाँ पे 5G नहीं चलता है, तो हो सकता है कि उसी कारण आपके मोबाइल फ़ोन में 5G का जो नेटवर्क है वो नहीं चल पा रहा है। उसके बाद में दोस्तों जो थर्ड वाला स्टेप है उसको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आपको वो ऑन रखना है। उसके बाद में यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है, उसमें दोस्तों यही है कि 4G और 5G का आपको सेलेक्ट करना है। आपको दोस्तों मैंने बताया था कि आप 5G का ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करके रखना, और आपके मोबाइल फ़ोन में दोस्तों 5G इंटरनेट चलना लग जाएगा, अनलिमिटेड डाटा का आप यूज़ कर पाओगे। तो दोस्तों यही सेटिंग होती है
जिनको मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी गली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।